Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम थर्ड वीक के ऑफ मे मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इन द फोर्थ क्वार्टर का ये रहेगा फॉर्म जनवरी टू मार्च। यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंट वीकली स्टेटस टर्म्स में फॉर द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव वो कितना है 6.7% का। यहीं पे अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें वो है 50.2% का। यहीं अगर हम बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशो की, ये ऑल टाइम हाई पे थी 46.9% की। अगर मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यहाँ पर हम बात करें तो मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है 74.4%। वहीं पे फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये है 25.6% का। ठीक है, तो चलिए मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई करेक्ट माई सेल्फ, ये जो डाटा है ना, ये 74.4% ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का है। 74.4% मेल ने पार्टिसिपेट किया एंड फीमेल ने 25.6% पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव किया बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 million फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रोल ओवर ऑफ ट्रेजरी बिल्स फॉर अनदर ईयर, तो यह रहेगा मालदीव। अभी SBI बैंक ने यहाँ पर एक साल के लिए ट्रेजरी बिल्स को सब्सक्राइब किया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, एंड ये जो इंटरेस्ट रेट रहेगा यहाँ पे वो जीरो कॉस्ट रहेगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, राइट। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे $1 million का मॉनिटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया टू कीनिया गवर्नमेंट, क्योंकि कीनिया में अभी क्या था, फ्लडिंग आ गई थी। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिसीव किया एक MOU विद एनो रिन्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 billion ओवर द नेक्स्ट 3 years फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स, तो ये रहेगा सोसाइटी जनरली। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है किसके साथ, रिन्यू के साथ, एंड ये MOU किस लिए रहेगा, बेसिकली $1 billion इन्वेस्ट करने के लिए इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आने वाले 3 साल के अंदर। यहीं पर अगर बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो SBI एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इनों के द्वारा अभी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कैरी आउट किया गया वर्थ 25 करोड़ रुपीज़, एंड ये पहला CDS ट्रांजैक्शन था सिंस RBI के द्वारा नई CDS गाइडलाइंस रिलीज़ की गई थी 2022 में। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट इज लॉन्च्ड बाय SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो उसका नाम रहेगा बीमा सेंट्रल। ये आपका SBI जनरल इंश्योरेंस, ये आपकी याद रखेंगे पहली इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कस्टमर एक्सपीरियंस को विद इनोवेशन। एंड यहीं पे अगर CDP सुरक्षा की बात करें, तो CDP सुरक्षा क्या है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, एंड ये CDP सुरक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $148.5 million लोन टू विद स्टेट टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यहाँ पे सिक्किम स्टेट के लिए यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया है $148.5 million का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ताकि सिक्किम स्टेट की उन विलेजेस तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सके जहाँ तक अभी तक एक्सेस नहीं हो पाया है। फिर इसी के अलावा असम स्टेट का एक प्रोजेक्ट असम है जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया $200 million का अमाउंट, और ये किस लिए था कि वहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट हो सके, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ जो फ्लड आपका रिवर बैंक्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये अमाउंट रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन May 2024 रिव्यू ऑफ द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस 13 सिक्योरिटीज़ को तो ऐड कर लिया गया और 3 सिक्योरिटीज़ को इस MSCI इंडिया इंडेक्स से रिमूव कर दिया गया। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अमंग दीज 3 आर नॉट आर
बींग रिमूव फ्रॉम द MSCI इंडेक्स. तो MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनली कंपनीज इंडेक्स, राइट. ये मॉर्गन स्टैनली जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनका ये डाटा होता है. मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्ट इंटरनेशनल, राइट, नॉट कैपिटल. आई रिपीट, MSCI की फुल फॉर्म मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट. तो यहाँ पे 13 सिक्योरिटीज को तो अभी ऐड करा गया, आन 3 सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे रिमूव करा गया. ये जो रिमूव की गई हैं ये कौन सी हैं? पेटीएम है जिसमें से तो एक, बर्जर पेंट्स, एंड एक और होगा इसमें, वो कौन है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. तो इन सिक्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया गया है, वहीं पे 13 सिक्योरिटीज़ को ऐड किया गया है इन द MSCI इंडेक्स. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज इन द 9th एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट. सो फॉर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंट्रीज हमारी इंडिया की आ जाती हैं, करेक्ट. कितनी एंट्रीज हैं? 86 एंट्रीज हैं. ये 9th एडिशन है ऑफ दिस फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट की. फिर इसके बाद बात करें तो 32 आ जाता है, बोथ चाइना एंड जापान से यहाँ पर एंट्री रहेंगी 30. वहीं पे बात करें सिंगापुर 27, ऑस्ट्रेलिया 26, इंडोनेशिया 18 एंट्री रहने वाली है. नेक्स्ट, यहीं पे अगर हम बात करें चाइना की तो याद रखेंगे इंडिया की सेकंड रैंक रही इन द एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स. इन MSCI का एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? सेकंड. और वहीं पे चाइना की क्या रैंक रहेगी? चाइना फर्स्ट पोजिशन पर आ जाता है MSCI एमर्जिंग इंडेक्स में. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज सिंगापुर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर. तो सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? वो हैं लॉरेंस वॉन्ग. ये सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, लॉरेंस वॉन्ग. ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे ली शेन लूंग को, राइट. ये अपनी 20 साल बाद अपनी पोजिशन छोड़ेंगे. 2004 से लेकर 2024 तक ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के. देन अगर बात करें बसीरुई फाई की, तो बसीरुई फाई इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल. ये सेनेगल के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं. नेक्स्ट, क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू एक्वायर 9.98% पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स किसमें? इन RBL बैंक, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड 12 मई 2025 तक ये इनको यहाँ पे एक्वायर करना पड़ेगा. इसी के अलावा अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे याद रखेंगे ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये एक्वायर करेंगे 0.7% स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 245 करोड़ रुपीस. नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली प्लान किया टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन द मून कॉल्ड फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, जिसका नाम रहेगा फ्लोट. तो ये नासा प्लान कर रहा है एक मून पर रेलवे सिस्टम लाने के लिए. इससे क्या होगा कि जो हमारी माइनिंग है हम मून पे कर सकेंगे इजीली, राइट. मून को हम एक्सप्लोर कर सकेंगे एंड फिर मून को हम एज अ बेस यूज़ कर सकेंगे अगर हमें मार्स तक अपने मिशंस को ले जाना है. हम जानते हैं हम प्लान कर रहे हैं मार्स पर कॉलोनी सेट करने की, तो मार्स पर कॉलोनी अगर हमें सेट करनी है सिविलाइजेशन की, तो उसके लिए मून एक इम्पॉर्टेंट हमारा बेस रहने वाला है, जहाँ से हम प्रोजेक्ट्स को हम एज अ स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर सकेंगे ईजिली. तो राइट ऑप्शन बनता है ये नासा का मिशन रहेगा टू प्लान टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन मून, जिसका नाम रहेगा फ्लोट. वहीं पे अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का आदित्य L1 मिशन है. आदित्य वन क्या है? लैंग्रेज वन पॉइंट पर ये रहेगा इसलिए L1, एंड ये किस लिए है? सन के आउटर सरफेस को स्टडी करने के लिए ये मिशन रहेगा. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टाइटल्ड एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन. ये सौम्या स्वामीनाथन याद रखेंगे ये डॉटर है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन की, एंड इनके ऊपर अभी एक ऑथर ने बायोग्राफी लिखी. कौन रहेंगी ऑथर? वो है अनुराधा मैस्करहंस, राइट. इस बुक को ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाएगा. यहीं पे बात करें इसके अलावा तो मनसुख मांडवीय जी, राइट, ये हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं. एंड अभी रिसेंटली जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, इनके द्वारा अभी एक नई बुक टाइटल फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत्स मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशियंसी, ये ऑथर की गई थी मनसुख मांडवीय जी के द्वारा और रिलीज की गई इस बुक को जगदीप धनखड़ जी के द्वारा.
नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 16 मई को हम नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया, जिसकी थीम रहेगी कनेक्ट विद कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू. आई रिपीट, कनेक्ट विद कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू. फिर यहीं पे याद रखेंगे 25 अप्रैल को हम क्या डे ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे. देन 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लिवर डे. वहीं पे अगर हम बात करें 28 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे. नेक्स्ट, यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया विच एनिवर्सरी ऑफ द 1954 हॉज कन्वेंशन? तो ये 1954 हॉज कन्वेंशन की 17th एनिवर्सरी भी यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व की गई थी. एंड ये हॉज कन्वेंशन क्या है, बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफ़ी सारी हमारी जो हेरिटेज साइट्स थी, कल्चरल साइट्स थी, उनको डैमेज हुआ. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं किसी भी एरिया की, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए राइट, ये हॉज कन्वेंशन साइन हुआ था 1954 में. एंड इसका भी 17वां एडिशन हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट 10 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडीज? तो आभा आईडीज बनाने वाली, जिन्होंने 10 करोड़ यहाँ पे आभा आईडीज से भी ज़्यादा बनाई, कौन सी स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश. ये इन्होंने टॉप किया, फर्स्ट पोजिशन रही, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ये सेकेंड पोजिशन पर आ जाता है. एंड गुजरात आपकी थर्ड पोजिशन पर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ आभा आईडी. नेक्स्ट, विच इंडियन डिजिटल पेमेंट्स कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद श्रीलंकाज लंका पे टू इंट्रोड्यूस UPI ट्रांजेक्शन्स इन श्रीलंका? तो फोन पे, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इन्होंने पार्टनर किया लंका पे के साथ, ताकि श्रीलंका में UPI से जो यूज़र्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके एंड UPI को वो यूज़ कर सकें. इवन यहाँ पे फोन के की मदद से आप जब श्रीलंका में जाएंगे तो आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे रुपीज़ में, वो कन्वर्ट हो जाएगा टू श्रीलंकन रुपीज़ जब आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे. ठीक है, चलिए मार्क करके चलेंगे. राइट ऑप्शन है फोन पे. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस वेस्ट 2024 मिड ईयर अपडेट, ये अंडेसा के द्वारा रिलीज किया गया है. व्हाट इज द रिवाइज GDP प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन 2024? तो क्या है रिवाइज प्रोजेक्शन यहाँ पर? तो वो है आपका 6.9% से इंडिया ग्रो करेगा एज पर अंडेसा इन 2024. यहीं पर अगर हम इन्फ्लेशन की देखें 4.5% रहेगा 2024 में. IMF की बात करें, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा. UNCTAD के हिसाब से 6.5% से इंडिया ग्रो करेगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 रिलीज्ड इन मे, हु इज द हाईएस्ट एवर पेड एथलीट इन द वर्ल्ड? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फुटबॉलर हैं एंड ये हाईएस्ट एवर पेड एथलीट हैं. इनकी जो अर्निंग थी इस बार वो कितनी थी? $260 million की थी. ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं राइट. एंड इनके बाद आ जाते हैं जॉन रैम. जॉन रैम एक गोल्फर हैं, इनकी अर्निंग थी $218 million. फिर लायनल मेसी की बात करें, ये थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग. इनकी अर्निंग थी $135 million. ये भी एक फुटबॉलर हैं एंड इनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है राइट. वहीं पे आयताना बॉन माती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं एंड इनको बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द 2023 ईयर से सम्मानित किया गया. एंड लायनल मेसी, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड 2024 को जीता फॉर एनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन पब्लिक पॉलिसी ड्यूरिंग द जियो स्पेशल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ? तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली जीता जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड? तो वो है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. इन्होंने यहाँ पे जियो स्पेशल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड 2024 को जीता अंडर एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी के अंडर राइट. टेकन आउट ऑफ दिस. यहीं पे अगर हम बात करें आर्टेमिस अकॉर्ड किसका है? नासा के द्वारा. आन अभी 38 नेशन कौन सा बना जिन्होंने ज्वाइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड को? वो है स्वीडन. ठीक है, फिर इसरो की बात करें तो इसरो को भी याद रखेंगे तो चंद्रयान 3 टीम को इनके सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए मून पर अभी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जॉन एल जैक स्विगेट अवार्ड से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, स्विगेट जूनियर.
नेक्स्ट आ जाते हैं इन में सेलर टनल, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड यूके में। ये जो सेलर टनल है वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विद स्टेट और यूटी। तो सेलर टनल ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, राइट, टेकन आउट ऑफ दिस। 2.598 किलोमीटर लंबी आपकी टनल रहेगी एंड ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 13,000 फीट से भी ऊपर इसको बनाया गया है, BRO के द्वारा बनाया गया है, 825 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया मातृ वंदना योजना छत्तीसगढ़ में, जिसका एम रहेगा कि जो इकोनॉमिकली या फिर जो बेसिकली पुअर वीमेन है, राइट, या हम बोले इन शॉर्ट टर्म तो वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इन्होंने काम करने की यहाँ पे बात की गई, वीमेन्स को अपलिफ्ट करने की बात की गई एंड इसके लिए 655 करोड़ रुपए यहाँ पे लाए गए जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी मातृ वंदना योजना की छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो कपिल सिब्बल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं प्रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये इनका फोर्थ टर्म रहेगा, चौथी बार ये अपॉइंट किए गए हैं। ये आपके फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं एंड कपिल सिब्बल, इनको 1,066 वोट्स यहाँ पे मिले, इन्होंने डिफीट किया प्रदीप कुमार राय को। एंड इसी के अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स याद रखेंगे, रचना श्रीवास्तव ये सीनियर एडवोकेट हैं एंड इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट, करेक्ट। और वहीं पे याद करें विक्रांत यादव, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। तो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है एंड्रेस प्लैंकोवेक, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोएशिया सर्व कर रहे हैं सिंस 2016। यहीं पे साइमन हैरिस की बात करें तो साइमन हैरिस को अपॉइंट किया गया प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर 4,630 करोड़ रुपीज। तो ये वॉरबर्ग पिंचकस के द्वारा एक्वायर की जाएगी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि हाउसिंग आर्म है ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, 4,630 करोड़ रुपए के लिए इनको ये एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन में डैश द वेटन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात, 2009 से 2014 तक जो गवर्नर थे गुजरात के, उनका निधन हो गया है। तो ये है कमला बेनीवाल, राइट, याद रखेंगे ये 97 की एज में इनका निधन हो गया। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, 15 की एज में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड इनको ताम्रा पात्रा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी। एंड यहाँ पे याद रखेंगे ये वो पहली वीमेन बनी थी मिनिस्टर इन राजस्थान। नेक्स्ट की बात करें तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू बिल्ड द हाई एनर्जी फोटोन सोर्स HEPS, द फोर्थ जनरेशन सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स। तो ये रहेगा चाइना, राइट, चाइना वो पहली कंट्री बन गई एशिया में टू बिल्ड द हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, द फोर्थ जनरेशन सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे आपका सन में हमने देखा था कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है एक सर्कुलर डिस्क में, राइट, काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड इनकी कोलिजन से हम काफ़ी सारी डिस्कवरीज फिर यहाँ पे करते हैं। तो सिमिलर टाइप का ये आपका सिंक्रोट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली लॉस्ट देयर ग्लेशियर एज इट श्रिंक्स डाउन टू एन आइस फील्ड। तो ये है वेनेजुला ने अपने सारे अब ग्लेशियर्स को लूज कर दिया बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्रिकेट टीम्स वर रिसेंटली ग्रांटेड स्पॉन्सरशिप बाय नंदिनी डेयरी ब्रांड ऑफ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। तो स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की यहाँ पे क्रिकेट टीम को भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिली बाय नंदिनी डेयरी ब्रांड ऑफ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली सेटअप किया इंडिया का मेडन पवेलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन, जो कहाँ पर हुई, ये रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई थी समिट, राइट, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा अपना पहली बार पवेलियन को सेटअप किया गया था। फिर इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, याद रखेंगे ये लॉन्च किया गया था 2023 में,
इसका बजट रहेगा 19,744 करोड़ रुपए एंड 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई 2030 तक। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली सिक्योर किया $500 मिलियन का लोन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन टू सपोर्ट अंडरसर्व वीमेन बॉरोवर्स? तो ये रहेगा HDFC बैंक, राइट। इन्होंने सिक्योर किया $500 मिलियन का लोन फ्रॉम IFC टू सपोर्ट द अंडरसर्व वीमेन बॉरोवर्स। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहला ट्रेवल फोकस क्रेडिट कार्ड जो कि रहेगा SBI कार्ड माइल्स। ये भी आपका 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, अलीट, प्राइम एंड सिंपल कार्ड माइल्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग ऑटोमोटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटी थीम? बेसिकली क्या है कि जो ऑटोमोबाइल शेयर कंपनीज हैं या फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने की बात की जाएगी, किसके द्वारा? SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। एंड ये जो NFO रहेगा इस SBI म्यूचुअल फंड का, ये रहेगा ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 17th ऑफ मे एंड विल क्लोज ऑन 31st ऑफ मई। यहाँ पे ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें, ये एक AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड यहीं पे याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को। नेक्स्ट, येस बैंक यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, इन्होंने लॉन्च किया अ डैश बैंकिंग प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। तो येस ग्रैंड्योर नाम से याद रखेंगे, इनके द्वारा ये बैंकिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पे जो एवरेज मंथली बैलेंस जिनका 5 लाख रुपए या फिर NRV वैल्यू, नेट रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ 20 लाख रुपीस है, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। एंड 0 करेंसी मार्कअप चार्जेस रहेंगे, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, एंड काफ़ी अदर इनको यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नोमो कार्ड की बात करें तो नोमो कार्ड याद रखेंगे नो मिसिंग आउट कार्ड रहेगा, ये आपका एक क्रेडिट कार्ड है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इन्हीं के द्वारा AU स्पॉन्ट क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है और इन्हीं के द्वारा ATM इंश्योरेंस भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ IFFCO? तो IFFCO के चेयरमैन कौन रीइलेक्ट किए गए हैं, ये आपका फ्रेंड्स होमवर्क रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली चूजन एज द होस्ट ऑफ द 2026 AFC वीमेंस एशिया कप? तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे 2026 के लिए चूज़ किया गया एज द होस्ट ऑफ द AFC वीमेंस कप, और उज्बेकिस्तान को 2029 के लिए यहाँ पे चूज़ किया गया एज द होस्ट ऑफ एशियन कप। नेक्स्ट, नारायण वगुल, ये एक रिनोन्ड इंडियन बैंकर हैं एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88। इनको अवार्ड किया गया था 2010 में ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी के अंडर, किस अवार्ड से? तो पद्म भूषण से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण याद रखेंगे, ये आपका 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा? तो नासा के नए चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर अभी कौन बने हैं, वो हैं डेविड साल्विग्नी, राइट। ये नए आपके याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, डेविड साल्विग्नी, ठीक, मार्क करके चलेंगे इनको। नेक्स्ट है, इन मे SEBI amended their listing obligations and disclosure requirement regulations 2015 की विद SEBI LODR 2024 revisions method for calculating the market cap। अभी क्या हुआ था, होता था कि डेली बेसिस पे आपकी मार्केट कैप यहाँ पे आती थी, लेकिन अब क्या होगा, एक डिफाइंड पीरियड के अंदर, मान लो से फॉर एग्जांपल 100 डेज आपकी एवरेज जो मार्केट कैप होगी ना वो कैलकुलेट की जाएगी किसी भी कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एमर्ज किया एज द टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रोथ ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 24? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पे टॉप परफॉर्मर रहा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। अगर इनकी बात करें, इन्होंने 15.94% का यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ दिखाया, राइट। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ SBI बैंक की, ये सेकेंड पोजिशन पे आते हैं, इनका बिजनेस ग्रोथ रहा 13.12% से। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें SBI का जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बाय 24% टू क्लोज टू 20,698.35 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिट रहा SBI का। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ देखें कि कौन ज़्यादा बिजनेस लाया, तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ CII फॉर 3 ईयर्स 2024-25 से?
फॉर ईयर 2024-25 के लिए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं CII की, वो हैं संजीव पुरी. राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस. संजीव पुरी ये सक्सीड करेंगे आर दिनेश को. फिर इसके बाद राजीव मेमानी जी की बात करें तो ये चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ENY के, एंड यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेजिक डेजिग्नेट ऑफ CII फॉर 2024-25. एंड आर मुकुंदन, इनको अपॉइंट किए, ये CEO एंड MD हैं ऑफ टाटा केमिकल्स लिमिटेड, एंड इनको यहाँ पे वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है CII का. नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली स्वॉन इन एज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ ताइवान इन अ सेरेमनी हेल्ड एट द प्रेजिडेंशियल ऑफिस इन ताइपाई. तो विलियम लाई चिंगते, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ ताइवान. टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे. ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे साई इंग वेंग को. राइट, ये इनको सक्सीड करेंगे. इसी के अलावा याद रखेंगे तामस सुलियो की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है प्रेजिडेंट ऑफ हंगरी. ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेजिडेंट ऑफ हंगरी. नेक्स्ट आ जाता है, इसरो ने रिसेंटली प्लान किया टू इंक्लूड अ हेलीकॉप्टर, स्काई क्रेन, सुपरसोनिक पैराशूट एंड एक रोवर फॉर द नेविगेशन ऑफ मार्स इन देयर डैश मिशन. तो मंगलयान 2 मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, एंड यहाँ पर नासा के परसिवरेंस रोवर, राइट, इंजीनिटी हेलीकॉप्टर, इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने खुद का अपना पैराशूट, सुपरसोनिक पैराशूट, स्काई क्रेन, हेलीकॉप्टर, रोवर, ये लॉन्च करने की बात करी ताकि मार्स पर जाके हम अच्छे से उसकी एक्सप्लोरेशन कर सके. मंगलयान 2 मिशन को GSLV मार्क 3 से यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई. नेक्स्ट, नेम द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिसेंटली कैरिड 6 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया के गोपी थोटाकुरा इनटू स्पेस टूरिज्म मिशन, जो कि न्यू शेफर्ड मिशन रहेगा. तो ये ब्लू ऑरिजन का मिशन है, ब्लू ऑरिजन ऑन किया जाता है जेफ बेजोस के द्वारा. इनका ही ये न्यू शेफर्ड का 25th मिशन था, एंड यहीं पर वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स थे गोपी थोटाकुरा, जो कि इंडिया के, जो एक इंडियन है. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द वेपन सिस्टम दैट हैज बीन रिसेंटली हैंडेड ओवर बाय द इंडियन आर्मी, हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी बाय इंडियन रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन अमेठी, उत्तर प्रदेश. तो क्या नाम रहेगा उस वेपन सिस्टम का? तो वो है AK-203 असॉल्ट राइफल्स. अभी 70,000 आई हैं, इसके अलावा हम देखेंगे 27,000 और असॉल्ट राइफल्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स आएंगी. ये आपका जॉइंट वेंचर है इंडियन रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अमेठी UP में, वो बना के इंडियन आर्मी को ये डिलीवर कर रहा है. नेक्स्ट है, इन विच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट डेड इंडियन प्लेयर्स सात्विक साईराज, रानिक रेड्डी एंड चिराग सेट्टी, इन्होंने मेंस डबल टाइटल यहाँ पे जीता. तो थाईलैंड ओपन इनके द्वारा जीत लिया गया है, यहाँ पर मार्क करके चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने भी कौन सा टाइटल जीता? बाय डिफीटिंग मैक्लेरेंस लैंडो नॉरिस हु फिनिश सेकंड इन द रेस. तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा अभी एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती गई, जिसमें लैंडो नॉरिस, जो कि मैक्लेरन के ड्राइवर है, सेकंड पोजीशन पे आए. मैक्स वर्स्टैपन की बात करें तो इन्होंने अभी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था. रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड बेल्जियन डच ड्राइवर हैं. इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपन की ये 59th फॉर्मूला विन है इनकी करियर की, एंड 3rd कंसेक्यूटिव विन इन इटली. राइट, फिर यहीं पे आ जाता है आपका मियामी ग्रैंड प्रिक्स. ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि लैंडो नॉरिस, इन्होंने पहली बार यहाँ पे पोडियम पर फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया. ये सेकंड या थर्ड आते रहे हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई. कहाँ पर? मियामी ग्रैंड प्रिक्स में, लैंडो नॉरिस की. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली चूजन एज द होस्ट फॉर द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए? वो रहेगी ब्राज़ील को, यहाँ पे चूज किया गया एज द होस्ट फॉर द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए. मार्क करके चलेंगे. यहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो BWF का जूनियर वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की कहाँ पर होगी? गुवाहाटी में होगी, इन असम. देन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यहाँ पे याद रखेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2027 की कौन होस्ट करेगा? चाइना. मूविंग ऑन, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मोकबेर, ये अपॉइंट किए गए इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ ईरान फॉलोइंग द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट डैश इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन नॉर्थ वेस्टर्न ईरान. तो इब्राहिम रईसी, इनका निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ये प्रेसिडेंट थे ईरान के, एंड इनकी जगह पर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जगह लेंगे एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मोहम्मद मोकबेर. एंड इब्राहिम रईसी याद रखेंगे ये 8th प्रेसिडेंट थे ईरान के.
नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करेगा हाउ मच डिविडेंड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन FY24। तो 30% का यहाँ पे डिविडेंड्स रिसीव करेगा एंड हाईएस्ट एवर ये डिविडेंड रहेगा 18,013 करोड़ रुपीस का ये डिविडेंड रहेगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा इनको पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाएगा। एंड लास्ट ईयर 13,804 करोड़ रुपीस का डिविडेंड था, 30% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। SBI यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करा रहा है, SBI का जो डिविडेंड रहेगा यहाँ पे वो है 13.7 रुपीज़ पर शेयर का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 7.6 रुपीज़ का, कैनरा बैंक भी देगा, इंडियन बैंक के द्वारा भी यहाँ पे आपका डिविडेंड प्रोवाइड करा जाएगा। नेक्स्ट इन मे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकवर किया डैश अंडर एन एमनेस्टी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट, मतलब डिफॉल्टर्स के लिए यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई एंड 852 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे रिकवर किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इन दिस स्कीम जो 31 मार्च 2024 यहाँ पे फिक्स डेट रख दी गई थी कि इस तक आप अपने जो भी इंटरेस्ट हैं, जो पेमेंट्स हैं, ड्यूज हैं, उसको क्लियर कर लो। एंड 6,705 एप्लीकेंट्स रिसीव हुई जिन्होंने 852 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे सेटलमेंट करा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एस्टिमेट किया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू रीच 500 to 510 billion इन FY25। तो ये रहेगा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के द्वारा यहाँ पे डिटेक्ट किया गया एंड यहाँ पे बोला कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 14% से बढ़ जाएंगे टू 500 to 510 billion dollar। राइट, एंड यहाँ पे इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है यहाँ पे 3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, राइट, ऑफ 3% with $430 billion in FY24। FY25 की बात करें तो यहाँ पे 14% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनका ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स ये रिपोर्ट थी एंड यहाँ पे जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय ग्लोबली की बात करें तो 2.6% से ग्रो करेगा 2024 में, वहीं पे 3.3% से ग्रो करेगा 2025 में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज़ की एक रिपोर्ट वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ड्यूरिंग द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई एंड वाटर की क्राइसिस को यहाँ पे बताते हुए इस डाटा को रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट, फिर वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी 4th edition रिलीज़ की गई थी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट को एंड कौन से नेशंस वर्नरेबल हैं टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स उनके बारे में बताया गया। RITES लिमिटेड ये एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज का, इन्होंने साइन किया $111.26 million का एक कॉन्ट्रैक्ट, 915 करोड़ रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अग्रीमेंट टू सप्लाई 200 बॉड गॉज पैसेंजर कैरियर्स टू बांग्लादेश रेलवे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, यहाँ पे मुकेश अंबानी जी की 110 बिलियन डॉलर ये 12वें नंबर पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी ग्लोबली। एंड अगर हम बात करें अडानी की क्या रैंक रहेगी, यहाँ पे 14th position पे आ जाते हैं आपके अडानी, ठीक है, गौतम अडानी। फिर बात देखेंगे टॉप किन किया, बर्नर्ड आर्नल्ड ने यहाँ पे टॉप किया, $2,020 billion की इनकी नेटवर्थ रहेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक फॉर सेकेंड टर्म। तो ये है लुई रोडोल्फ एबिनेडर कोरोना, ये सेकेंड टर्म के अभी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। इनका टर्म सेकेंड टर्म का है तो 2024 से लेके 2028 तक ये इस पोजिशन में रहेंगे। नेक्स्ट, अगर बात करें अजाली ओसुमानी की तो इनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ कोमोरोस। नेक्स्ट, नेम द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट इक्विटी टू टेस्ट इट्स सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली ऑन अ सबस्केल हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। तो किन के द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा अभी वर्ल्ड की पहले फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी बनी टू टेस्ट द सिंथेटिक अपर्चर रडार ऑन अ सबस्केल हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। तो वो कौन है, वो है गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पे टेस्ट किया गया, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्गा कर्नाटका में इसको टेस्ट किया गया। यहीं पे अगर हम बात करें DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा अभी स्मार्ट सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। स्मार्ट क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो।
नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया कैंपेन नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। तो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अचीव किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटिंग द को फायरिंग ऑफ 20% टॉरिफाइड बायोमास एट इट्स फैसिलिटी इन तंडा एन उत्तर प्रदेश। तो NTPC के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली ये माइलस्टोन अचीव किया गया एंड दिस इनिशिएटिव द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडियाज पावर सेक्टर रहेगा ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की क्या रैंक रहेगी। इंडिया आ जाता है 39th पोजीशन पे एंड USA ने टॉप किया इन दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के डाटा में। मार्क करके चलेंगे, USA टॉप पर फॉलोड बाय स्पेन, देन आ जाता है जापान आपका 3rd पोजीशन पर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 5th। इसी के अलावा याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो प्रेसिडेंट बोर्ज ब्रांड हेडक्वार्टर कॉलिंजी स्विट्जरलैंड में रहेगा। 1971 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर यहीं पे बात करें अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसका 22nd एडिशन था ये एंड इंडिया की रैंक आ जाती है 159th इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज बिकेम द इंडियाज 3rd यूनिकॉर्न विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1 billion। तो यूनिकॉर्न है तो $1 billion की वैल्यूएशन होगी। कौन सी कंपनी बनी वो है 3rd यूनिकॉर्न पोर्टर। ये भी आपका एक गुड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं एंड आप इनके राइडर्स बुक कर सकते हैं जो इस सामान को डिलीवर करेंगे। इसके अलावा कृत्रिम एंड परसफिरोज पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपके यूनिकॉर्न है इंडिया के। नेक्स्ट है नेम द बुक रिटन बाय जेनी अर्पनबैक एंड ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन दैट हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल बुक प्राइज 2024। तो बुक का नाम रहेगा काइरोस, राइट। ये वो बुक है जो कि अभी जेनी अर्पनबैक एंड माइकल हॉफमैन के द्वारा ट्रांसलेट की गई एंड इनके द्वारा लिखी गई एंड इसको इंटरनेशनल बुक प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ वियतनाम फॉर 2021-26 टर्म के लिए। तो टो लैम यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ वियतनाम 21-26 के लिए। प्रभावो सुबियंतो की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, टू हु हैज रिसेंटली वन द इनॉग्रल कैसेब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट 2024 जो कि मोनाको में हुआ। तो कैसेब्लांका टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन के द्वारा यहां पे अभी जीता गया, टेक अ नोट ऑफ दिस। हिकारू नाकामुरा इनको इन्होंने डिफीट किया इन दिस फाइनल मैच एंड विश्वनाथ आनंद की यहाँ पे जो 5-time वर्ल्ड चैंपियन है इंडियन चेस प्लेयर 3rd पोजीशन रहे इन दिस इनॉग्रल एडिशन, मतलब पहला एडिशन ऑफ कैसाब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली रिसीव किए 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये क्या है, ये आपका एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है और अगर आपको याद हो तो इंडियन नेवी ने श्रीलंका को भी 2 डॉर्नियर यहाँ पे गिफ्ट किए थे फॉर सर्विलेंस पर्पस। एक पहले दिया था, दूसरा भी रिसेंटली दिया है। ठीक है, तो ये रहेगी गायना। गायना कंट्रीज डिफेंस फोर्स रिसेंटली रिसीव 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस आर्मी फोर्स कमांड ने अलॉन्ग विद DRDO रिसेंटली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, राइट, एंड डीआरडीओ इन्होंने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ये आपका 6th वेरियंट रहेगा ऑफ अग्नि प्राइम सीरीज का एंड 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन आर्मी कमेंस द इंडक्शन ऑफ द इंडिजीनियस अक्षतीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम टू एनहेंस द एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। किस कंपनी ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट अक्षतीर को? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये प्रोजेक्ट अक्षतीर डेवलप किया गया है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसको लाया गया है एंड ये इंडियन आर्मी की जो डिफेंस यूनिट्स हैं उनकी ऑपरेशंस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ स्पेशली आपकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट हमें देखने को मिलेगी अक्षतीर प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, किस कंट्री के सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस आर्टिफिशियल सन हैज रिसेंटली सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट बाय सस्टेनिंग प्लाज्मा लूप एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड। तो ये साउथ कोरिया का रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम है K-STAR।
आर्टिफिशियल सन भी इसको बोल देते हैं एंड इनका एम है कि हम ये जो 48 सेकंड था ना इसको 300 सेकंड्स तक ले जा सकें बाय द ईयर 2026। अभी तो हमने सस्टेन किया एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर जस्ट 48 सेकंड्स, लेकिन इसको फर्दर सस्टेन करने की बात की जा रही है एट 300 सेकंड्स के लिए एट 100 डिग्री 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। एंड ये जो 100 डिग्री सेल्सियस 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, इट इज 100 टाइम्स हॉटर, सॉरी इट इज 7 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड क्रैश फायर टेंडर CFT। ये जो क्रैश फायर टेंडर है ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा, नोएडा बेस्ड MSME फर्म, करेक्ट। एंड 291 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। एंड ये जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने रिसीव किया ये पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड क्रैश फायर टेंडर। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बैंडवैगन 1 द फर्स्ट राइड शेयर मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो याद रखेंगे SpaceX का मिशन है, बैंडवैगन 1 को फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में ले जाया गया। बैंडवैगन 1 राइड शेयर मिशन है तो 11 सैटेलाइट्स यहां पे ले जाई गई स्पेस में। एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की भी एक सैटेलाइट है TSAT-1A, मार्क करके चलेंगे, ये भी इसके अंदर यहां पे लॉन्च की गई थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इन अप्रैल 2024 इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया फर्स्ट बैच ऑफ 24 इग्ला S-MAN पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो ये रशिया से रिसीव की गई 100 मिसाइल अलॉन्ग विद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। ये इंडियन आर्मी की जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको काफी ज्यादा एनहेंस करेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 3 ब्लैक बैरन 9 साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, राइट। एंड ये आपका है APEP मिशन, जो कि एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन फ्रॉम नासाज वेल ऑफ फाइट फैसिलिटी इन वर्जीनिया USA से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड ये स्टडी करता है अर्थ अपर एटमॉस्फेयर कि ये कैसे रिएक्ट करता है विद द टेम्पररी डिमिंग ऑफ द सनलाइट ड्यूरिंग एक्लिप्स। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। अभी हमने देखा था बैंडवैगन 1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 11 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की थी। क्या नाम है इस सैटेलाइट का, TSAT-1A। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट विद नासा टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू द मून। तो ये जापान के साथ नासा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम मून को पीसफुल एक्सप्लोरेशन कर सकें एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कर सकें ऑफ मून, राइट। जापान के साथ ये MOU साइन किया गया। नासा के बिल नेल्सन ने एंड जापान के एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ, Washington DC में अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। तो ये लॉन्च किया गया है रॉसकॉस्मोस के द्वारा। रॉसकॉस्मोस याद रखेंगे ये स्पेस एजेंसी है रशिया की, राइट। एंड इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये रिप्लेस कर देगा प्रोटोन M को ऑफ रशिया, जो कि एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिप्लॉयड CDOM डिफेंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। CDOM क्या है कि जैसे आपकी एक जगह पर इनकमिंग मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि जो एरिया नीचे है वो इफेक्ट ना हो सके, ये सिस्टम लॉन्च किया गया था आयरन डोम सिस्टम, राइट। आयरन डोम सिस्टम का ही पार्ट आ जाता है CDOM, ये भी याद रखेंगे, करेक्ट। CDOM क्या हो गया, ये तो हो गया आपका किसी भी नॉर्मल एरिया में, राइट। और अगर इस आयरन डोम को ही हम किसी शिप पर माउंट कर दें तो वो CDOM हो जाता है। तो ये किसका है, ये इसराइल का सिस्टम है, मार्क करके चलेंगे CDOM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द इंडियन पायलट हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड अमंग 6 क्रू मेंबर्स टू फ्लाई ऑन ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड स्पेस टूरिज्म मिशन। तो गोपी थोटाकुरा ये इंडियन है एंड ये सिलेक्ट किए गए हैं, ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट यहाँ पे बनने वाले हैं फॉर दिस न्यू शेफर्ड 25 मिशन, मतलब ये इनका न्यू शेफर्ड का 25th मिशन है। ब्लू ओरिजिन का है ये न्यू शेफर्ड एंड ब्लू ओरिजिन के ओनर कौन है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है कार्बन कार्बन रॉकेट नोजल फॉर रॉकेट इंजन। इससे जो आपका वेट है वो 67% तक रिड्यूस हो जाएगा ऑफ द लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च मैन 5 CV meningitis वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO।
तो नाइजीरिया के द्वारा यहाँ पे वो नाइजीरिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने लॉन्च किया मैन 5CV मेनिनजाइटिस वैक्सीन जो कि रिकमेंड की गई है WHO के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द DRDO has recently inaugurated submersible platform for acoustic characterization and evaluation जिसको space के नाम से जानते हैं, जो कि एक testing hub है for sonar systems for Indian Navy। तो ये कहाँ पे test किया गया था? तो ये test किया गया है इडुकी केरला में। Take a note of this। ठीक है, यहाँ पे sonar systems को basically test किया जाएगा। Next आ जाते हैं, name the company that has recently launched omni-channel direct to consumer fintech app to offer various financial products on a single digital platform। तो ये रहेगी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, इनके द्वारा भी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ये एक ऐप लॉन्च की गई है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर फिनटेक ऐप है। यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी सारी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, राइट। नेक्स्ट, इन अप्रैल DRDO इन्होंने कंडक्ट करा एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल एट वॉट। तो ये चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट करा गया, DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया। ये एक फ्लाइट टेस्ट है ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो क्रूज मिसाइल है ये किसके द्वारा? DRDO के, हम ADE के द्वारा डेवलप की गई है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज बिल्ट हाला पॉइंट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम कोड है टू एनेबल मोर सस्टेनेबल AI। AI जो फील्ड है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, राइट। एंड जो सर्किट्स है, सेमीकंडक्टर्स है, वो सपोर्ट कर सकें आपकी AI की प्रोसेसिंग को, उसके लिए यहाँ पर एक ये हाला पॉइंट ये बिल्ड करा गया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम कोड रहेगा। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है? इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंटेल कॉरपोरेशन ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि आपकी सेमीकंडक्टर सर्किट्स इनको बिल्ड करती है। एंड ये जो हाला पॉइंट है इससे हम देखेंगे दिस कैन सपोर्ट अप टू 220 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडिया डिलीवर द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? तो फिलीपींस को यहाँ पे डिलीवर किया गया इंडिया के द्वारा फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। एंड ये $375 मिलियन की ये डील थी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियस लीडिंग एज स्लैट एक्यूटेटर्स एंड एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल फ्रॉम DRDO फॉर यूजिंग इट इन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा रिसीव करा गया, राइट। नेक्स्ट, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कन्फर्म्ड इट्स ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू टाइटन विद अ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ $3.35 बिलियन। देखो, रोटरक्राफ्ट, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, नासा का मिशन है, कहाँ पर जाएगा? टाइटन पे जाएगा। टाइटन क्या है? ये मून है किसका? सैटर्न का। ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न का एंड सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ आर सोलर सिस्टम आफ्टर गैनीमेड जो कि जुपिटर का लार्जेस्ट मून है। नेक्स्ट, विच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाईएस्ट थ्रेट लेवल? तो DRDO के द्वारा ये लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की गई है एंड काफी आपकी स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी। नेक्स्ट, इन मे इंडियन बॉक्सिंग टीम हैज वन डैश एट द एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन एशियन Under-22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 इन कजाकिस्तान। तो इन्होंने कितने मेडल जीते? तो टोटल ऑफ 43 मेडल्स यहाँ पर इंडियन टीम के द्वारा जीते गए, राइट, बोथ इन एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन एशियन Under-22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर टोटल 43 यहाँ पर मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए, करेक्ट। एंड मेडल्स की टैली के हिसाब से देखें तो इंडिया की पोजिशन रहेगी सेकेंड, फर्स्ट पोजिशन पर आ जाता है कजाकिस्तान। यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो इंडिया के 9 मेडल थे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की जो कि किर्गिस्तान में हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करें यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तो 26 मेडल थे, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तो 26 मेडल थे इंडिया के। नेक्स्ट, इनमें उर्दू लिटरेचर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रजाक नोन बाय हिज पेन नेम सलाम बिन रजाक रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने 2004 का साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता फॉर विच बुक? तो इन्होंने जीता फॉर शिकस्ता बूतों की दरमिया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया गया था। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे शाहबजादा याद रखेंगे, अभी रिसेंटली रियोन पोएट मुनावर राणा इनका निधन हो गया 71 की एज के में लखनऊ यूपी में। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2014 में उनकी पोएट्री बुक के लिए जो कि है शाहबजादा, फॉर हिज बुक दैट इज शाहबदाबा। नेक्स्ट,
who has recently appointed as the sporting ambassador of Swiss luxury brand फॉर वॉचेस ओमेगा. ओमेगा के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए हैं. ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो से ये बिलोंग करते हैं. एंड ओमेगा ये एक ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड फॉर वॉचेस. इनके ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं. एंड याद रखेंगे ओमेगा ये आपका ऑफिशियल टाइम कीपर रहेगा फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए. नेक्स्ट, वेन वॉज द कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब. तो 4 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं कोल माइनर्स डे, करेक्ट. एंड क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि कोल में जो माइन करते हैं उनके बारे में उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट, इन में यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल एंड डैश साइन एमओयू टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूएई एंड इंडिया. तो यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल एंड किन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया, तो वो है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ ताकि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एक दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कर सके, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट. फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा. इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई एंडेंजरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया, एंड यहाँ पर आपका सभी पोर्ट्स को जेंडर फ्रेंडली बनाने का बात की गई इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने बोला 2024 में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 2.6% से ग्रो करेगा, वेयर एज 2025 में ये ग्रो करेगा 3.3% से. नेक्स्ट, इन में WHO ग्रांटेड सर्टिफिकेशन टू 3 कंट्रीज इन अमेरिकाज, दैट इज बेलीज, जमाइका, सेंट विंसेंट एंड ग्रैंडनीज फॉर एलिमिनेटिंग द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस, राइट. ये सर्टिफिकेशन इनको दिया गया जिन्होंने मदर टू चाइल्ड में जो HIV का ट्रांसमिशन है, राइट, एंड आपका सिफिलिस का डिजीज का जो ट्रांसमिशन है उस पे रोक लगाई एंड उसके को कंट्रोल करा, इसीलिए इनको यहाँ पे अभी WHO के द्वारा ये सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया इन 3 कंट्रीज को. नेक्स्ट, RBI ने लिफ्ट किया रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक्स मोबाइल ऐप टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स इन इट. तो अभी RBI ने लिफ्ट किया रेस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इनकी ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर, राइट. ये इस पर पहले अब कोई भी कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस रेस्ट्रिक्शन को RBI ने हटा लिया है. फिर यहीं पर अगर हम बात करें ICICI बैंक, इन्होंने लॉन्च किया मनी टू इंडिया, राइट. ICICI बैंक कनाडा, ये एक होली ऑन सब्सिडरी ICICI बैंक लिमिटेड की, उन्होंने कनाडा में ये मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. तो मिखेल मिशुतिन, इनको अपॉइंट किया गया भी रिसेंटली, रीअपॉइंट किया गया है रिसेंटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे, राइट. रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया मिखेल मिशुतिन. और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के रशिया के, वो है व्लादिमीर पुतिन. गैब्रियल एटल की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया, हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. एलियम एलिलेव, ये आपके 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के प्रेसिडेंट बने हैं अजरबैजान के. लुई फिलिप मोंटेग्रो की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, ऑफ पोर्चुगल. नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairperson of NABH. तो रिजवान कोयटा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH. टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड इन्होंने रिप्लेस किया पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि वाइस चांसलर हैं GSS जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के. जगजीत पवादिया जी की बात करें, इनको रिलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ INCB जो कि है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के. जोश्री दास वर्मा की बात करें, ही टूक ओवर एज द 41st प्रेसिडेंट ऑफ फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस लॉयटरिंग एरियल म्यूनिशंस फॉर आर्म्ड फोर्सेज. तो वो रहेगा कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, राइट. फिर इसी के अलावा स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने भी टेस्ट किया कलाम 250 को, राइट, जो कि विक्रम 1 का स्टेज 2 है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की, तो इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $225 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशंस टू सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट, नेम द रॉकी एक्सोप्लैनेट जो भी डिस्कवर किया गया विद एन एटमोसफेयर बाय एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग द नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. तो यह है 55 कैंसरी ई. ये 55 कैंसरी सन का नाम है एंड यहाँ पे 5 प्लैनेट इसके रिवॉल्व करते हैं एंड वन ऑफ द प्लैनेट इज 55 कैंसरी ई. एंड यहाँ पर एटमोसफेयर डिस्कवर किया गया है अभी रिसेंटली, करेक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा.
टेक अ नोट ऑफ दिस, 41 लाइट ईयर्स अवे रहेगा ये प्लेनेट आपका। एंड इसी की अगर बात करें TOI-715 की, तो ये TESS ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये भी नासा का, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। टाइटन की बात करें तो ये लार्जेस्ट मून रहेगा आपका सैटर्न का। एंड यहाँ पर अभी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया है ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट, एंड $3.35 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर। नेक्स्ट, इन मे जिम साइमंस अ रिनोन मैथमेटिशियन एंड इन्वेस्टर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू? तो साइमन, जिम साइमन ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड अरब यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया, और इन्हीं को एक और नाम से जानते थे, क्वांट किंग के नाम से, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द रेसलर हु हैज रिसेंटली वन द फर्स्ट पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा फॉर टीम इंडिया इन मेन्स 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो ये रहेंगे अमन शेरावत, राइट। अमन शेरावत, इन्होंने फर्स्ट पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा को जीता फॉर टीम इंडिया इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें कॉलिन मुनरो ऑफ डैश कंट्री, द हार्ड हिटिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हैज अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनफोर्स द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 2023। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ओवर सर्विस पर्सनल्स इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? तो कमांडर्स इन चीफ एंड ऑफिसर्स इन कमांड, इन दोनों के पास यहाँ पर पावर रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिसेंटली पब्लिश बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद $118.4 बिलियन इन टू वे कॉमर्स? तो चाइना यहाँ पर टॉप करके आता है विद $118.4 बिलियन के साथ। सेकेंड पोजिशन पर आ जाता है USA $118.3 बिलियन के साथ, राइट। तो चाइना अब इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद बैंक ऑफ इंडिया फॉर BOI रक्षक पैकेज? ये BOI रक्षक पैकेज बेसिकली क्या है? ये आपका एक पेंशन सेविंग स्कीम, पेंशन सेविंग स्कीम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने टाई अप किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये पेंशन सेविंग स्कीम या BOI रक्षक पैकेज को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। एंड ये स्कीम इनकी ओमनी न्यू ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। चलिए, इसी के अलावा याद रखेंगे, इंडियन नेवी की बात करें, इन्होंने कमीशन किया INS जटायु को एट मिनिकॉन आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। एंड ये सेकेंड नेवल बेस रहेगा लक्षद्वीप में आफ्टर INS द्वीप रक्षक, जो कि कहाँ पर कमीशन किया गया था? कावरत्ती में, राइट। ये पहला आपका नेवल बेस था लक्षद्वीप का, और सेकेंड नेवल बेस है INS जटायु, जहाँ कमीशन किया गया मिनिकॉन आइलैंड में। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ IFFCO? तो दिलीप शंघानी, इनको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली, रीइलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ IFFCO, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। बलवीर सिंह यहाँ पे वाइस चेयरमैन की पोजिशन पे रिटेन रहे ऑफ IFFCO, करेक्ट।